ISPR कैप मैंने आज तक कभी नहीं पहनी, भाई पहनता है हाँ भाई तो ये सोच पहनता रहा हूँ भाई को वैसे पहन के चक। और अल्लाह ताला हासिबीनों के ऐसे से बचाए सबको, आप सबको भी, हम सबको भी। सर्टिफिकेट का फ्रंट, ओए हो माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी आप लोग गेस करें कि क्या टाइम हो रहा है, सुबह के कितने बजे हैं, गेस करें ज़रा। मौसम चेक करें कितना प्यारा हुआ है। अभी बज रहे हैं सुबह के 11। वीडियो जैसे ही आप ऑन करें ना तो लाइक का बटन दबा दिया करें, क्योंकि लाइक के बटन से ये होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलती है, मुझे पता चलता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। क्योंकि ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ, आप लोगों का काम है कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है। वीडियो शुरू करने से पहले जो है वीडियो को लाइक करना है और प्यारा सा कमेंट कर देना, ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिले, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। तो शुरू करते हैं जी आज का ब्लॉग, अल्लाह ताला का नाम लेकर जो बड़ा अलीम बजाते से दूर है, कुरू रही मैं और करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो कि खातमे नबीन है और उनके बाद कोई नबी और रसूल नहीं। तो शुरू करते हैं जी आज का ब्लॉग। ब्लॉग का आपको बताता हूँ कि क्या सीन है, क्या दिखाना है, जो कि मुझे पहले दिखा देना चाहिए था आप सबको, कि आप लोगों का हक है, ठीक है, आप लोगों का हक है। अंदर चलते हैं, अंदर जाके बात करते हैं। बारिश हो रही है, शोर हो रहा है, अंदर चलते हैं। सीन ये है कि इंटर्नशिप होगी थी, एक हफ्ता हो गया मेरी इंटर्नशिप को, बट मसरूफियात की वजह से जो है मैं आप लोगों को जो है गिफ्ट्स वगैरह जो मिले थे वो मैंने दिखा पाया, क्योंकि आप लोगों का हक है। क्योंकि मैंने आप लोगों को जो है पीएमए दिखाया, ठीक है, अंदर मोबाइल अलाउ नहीं था, बट बाहर से जो है मैंने आपको आप सबको दिखा दिया, रास्ता दिखा दिया उसका। उसके अलावा एचआईटी उसकी मैंने शॉर्ट वीडियो डाल दी थी, ठीक है। एचआईटी के अलावा और किधर गया था, एनसीटीसी गया था, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर वहाँ पर गया था, और किधर गया था, और भी पता नहीं एक दो जगह और थी, उधर भी गया था। फिर लास्ट में हमारा विज़िट था ISPR का विज़िट था एक पूरा, और GHQ का विज़िट था। तो वहाँ पे तो भैया आपको पता है सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पे तो मोबाइल बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, वहाँ पे आप रास्ता भी नहीं दिखा सकते हो, इतनी सख्ती होती है वहाँ पे। तो हमारा जो आखिरी दिन था वहाँ पे ISPR और GHQ का विज़िट था, और उसी दिन हमें जो है सर्टिफिकेट मिल गए थे। अब सर्टिफिकेट जी मेरे सामने पड़ा हुआ है बिल्कुल, ठीक है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप सबको दिखाने के लिए। और मेरे सामने गिफ्ट हैम्पर भी पड़ा हुआ है ISPR का, जो उन्होंने मुझे गिफ्ट दिए थे, तो वो भी अब दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड, तो दिखाते हैं जी आपको, बट गिफ्ट जो है वो मामा दिखाएंगे, मैं नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये मामा और भावैयान की दुआओं से मिला है और आप सबकी दुआओं से जो है ये मिला है मुझे, ठीक है। ISPR का सर्टिफिकेट छोटी चीज़ नहीं होती है, बहुत बड़ा जो है वो जो ISPR का टप्पा लग जाता है ना सर्टिफिकेट पे, वही काफ़ी है। तो ये मैं अब दिखाऊंगा और मामा दिखाएंगी, मैं तो नहीं दिखाऊंगा, मामा दिखाएंगी, ठीक है। बाकी ये अपने आप सब अपने लिए और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, कि वैसे सबके सबको अपने लिए करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हसदीनों के हसद से बचाए सबको, और सब अपने लिए भी दुआ कीजिएगा, क्योंकि ये हर किसी को जो है मांगनी चाहिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं जी, मामा आती हैं तो गिफ्ट वगैरह दिखाते हैं। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि वहाँ पे हमारा इंटर्नशिप एक महीना यार, 22 जुलाई को स्टार्ट हुई थी और 20 अगस्त को जो है हमारी ख़त्म हुई है, 22 जुलाई 20 अगस्त, एक महीना पूरा वक्त, इतनी महीना इतनी जल्दी से गुजरा पता नहीं चला। तो वहाँ पर हमारा जो पहला दिन था ना इंटर्नशिप का, पहला दिन था, तो हमारा इंटरेक्शन हुआ था DG ISPR से, हमारा जो इंटरेक्शन हुआ था DG ISPR से अहमद शरीफ चौधरी सर उनसे हुआ था, उसके बाद एक्स प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब उनसे हुआ था, उसके बाद और मिनिस्ट्रियों के लोग आए, पेमरा के लोग आए, मेजर जनरल आए, जनरल आए, मतलब सबसे जो है ना इन्होंने हमारा तारुफ़ करा दिया, ठीक है। SSG के लोग थे, उनसे हुआ इंटरेक्शन हमारा, ISPR के थे, आर्मी के थे, मतलब हर जगह के जो है ना उसके थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी उसके कोई से, उनसे इंटरेक्शन हुआ हमारा,
मतलब एक महीना हमारा इंटरेक्शन हो गया, ठीक है, अच्छा वाला हो गया। तो बस जो सर्टिफिकेट की खुशी है ना, और किसी की नहीं है। तो बस मामा जल्दी से आती हैं तो फिर आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैं भी यार बड़ा खुश हूँ आप सबको ये दिखाने के लिए, क्योंकि मैंने कहा कि तमीज़ के दायरे में जो है ना ये चीज़ ख़त्म करते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको PMA दिखा दिया, NCTC दिखा दिया, HIT दिखा दिया, मैंने कहा इतना कुछ दिखाया है तो जो उन्होंने दिया है वो भी तो अब आप लोगों को मैं दिखाऊँ ना। तो दिखाने के बाद जो है ये मतलब एक सीरीज़ कह देते हैं इसको, एक सीरीज़ एंड हो जाएगी, ठीक है। तो बड़े इज्जत के साथ जो है इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। तो बस मामा आती हैं फिर स्टार्ट करते हैं। भाई मुझे बताएं आपने वीडियो को लाइक किया नहीं किया, कर लें, मैं वेट कर रहा हूँ। हो गया, पक्की बात है। मामा भी तक आई नहीं, मामा कहाँ रह गई हैं मामा जी। मजे हो गया। अरे नहीं जी, मेरे ख्याल से मामा आ गई हैं। आ जाए मामा। ओ आ गई जी, मामा जी आ गई। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। दिनों बाद लगता है हमारी मुलाकात हो रही है चैनल पे। और सब खैरियत है, ठीक ठाक है? हाँ जी। कैसे भाई, ठीक है? मैं ठीक ठाक हूँ। सही, क्या आज कुछ नया करने लगे हैं? आज दिखाने ISPR की गिफ्ट्स जो वहाँ से मिले थे, ठीक ठीक। मैंने कहा इनको भी दिखाते हैं क्योंकि विजिट्स वगैरह भी सारे दिखाए हैं। तो एक सही तरीके से इसको एंड करते हैं। बहुत अच्छी है, अच्छे विजिट्स करवाए हैं, बहुत इसको कहना चाहिए कि अचीवमेंट्स हुई हैं लोगों को, बहुत एक्सपोजर्स हुए हैं, हर जगह गए हैं ये लोग, तो बहुत अच्छा माशाल्लाह हुआ है। बड़ी अच्छी रिसेप्शंस दी हैं इन लोगों को, वहाँ पे रिफ्रेशमेंट्स मिली हैं, फूड प्रोटोकॉल मिला आने जाने का इन लोगों को। आर्मी हमारे आगे पीछे होती थी भाई, कहीं भी हम जाते थे आर्मी आर्मी के डाले, एम्बुलेंस, सब कुछ जो है हमारे। ऐसी मेरा ख्याल है ऐसी इंटर्नशिप किसी की भी नहीं हुई है जैसी आप लोगों की हुई है। नॉर्मली तो वैसे ही होता ना कि कहीं भी आप लोगों ने इंटर्नशिप के लिए ज्वाइन किया है तो बस वहाँ पे आप लोग सिर्फ एक अपना काम करते हैं जाके, या ये कि जो असाइनमेंट्स आपको मिलती हैं आप लोग वो करते हैं ना। लेकिन यहाँ पे जो इंटर्नशिप आप लोगों की हुई है ये बिल्कुल डिफरेंट थी। यहाँ पे ना सिर्फ उन्होंने आप लोगों को सिखाया है बल्कि आप लोगों को आउटिंग करवाई है, विजिट्स करवाए हैं, फिर माशाल्लाह चीफ्स वगैरह ने आके एड्रेस किया आप लोगों को। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर ने अल्टरनेट एड्रेस किया, ये नहीं कि सिर्फ एक आध दफ़ा किया, अल्टरनेट जब PLO GSQ गए हैं वहाँ पे उन्होंने एड्रेस किया, फिर बहुत एनकरेज किया बच्चों को, बहुत प्रमोट किया मीडिया वालों को, बहुत प्रमोट किया उन्होंने। क्योंकि ऐसे में ज़्यादा जो स्टूडेंट्स थे वो मैथ कॉम के मीडिया स्टडीज, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ मीडिया स्टडीज, वो थे और इंटरनेशनल रिलेशन IR के थे। तो ये दो जो है ज्यादा स्टूडेंट्स थे, बाकी जो है ITCS के जरा कम थे। और फिर जो आप लोगों के ISPR के थे DG अहमद शरीफ चौधरी, DG ISPR उन्होंने भी बच्चों को बहुत ज्यादा इंकरेज किया और अल्टरनेट एड्रेस करते रहे, ये नहीं कि एक आध दफा बस वेलकम कह दिया या सिर्फ फेयरवेल में बच्चों को आके मिले, नहीं इस तरह से नहीं। मेन सर थे ना, मेन जो हमारे साथ होते थे हर वक्त, सुबह 7:30 बजे जाता था तो 7:30 से लेके मैं आता था, 6 बजे भी घर से निकले हो, 6 बजे भी निकलो, सुबह 6 बजे भी कभी कभी निकलूँ मैं। तो वहाँ पे हमारा ज्यादा सारा टाइम था 3-4 बजे तक, तो 2 बजे छुट्टी हो जाती थी, मैं नमाज पढ़ के जोर की फिर 3 बजे घर पहुँचता था। तो हमारे साथ जो रहते थे, मतलब जब भी हम जाते थे तो हमारे साथ ही होते थे ब्रिगेडियर तारिक सर, ब्रिगेडियर तारिक थे, कैप्टन कर्नल अनवर, कैप्टन हसन, कैप्टन वकास, कैप्टन समरा, और 3 सर, 2 मैडम और 1 सर और थे जो रिसर्च ऑफिसर थे। तो ये तो हमारे साथ ही होते थे,
बाकी वो गेस्ट स्पीकर आते थे वो फिर उनके साथ अलग हिसाब होता था। बहुत अच्छा था। फिर प्लांटेशन के लिए आप लोगों को लेके गए, वो भी एक बड़ा अच्छा था माशाल्लाह। पौधा लगाया था, देखा होगा आप लोगों ने। आपको फेसबुक पे उन्होंने आपकी पिक्चर ली थी, आईएफसीआर के पेज बताया था उन्होंने, पता नहीं मैं भूल गया। हाँ नहीं वो पता करो ना, उन्होंने स्पेशल लकी इब्राहिम की पिक्चर ली थी फोटोग्राफर्स ने, और कह रहे थे कि हम आपके आईएफसीआर के पेज पे आपकी पिक्चर भी लगाएंगे। तो माशाल्लाह रिफ्रेशमेंट्स बहुत अच्छी बच्चों को देते थे। टाइम की 11:30 बजे भाई हमें रिफ्रेशमेंट मिल जाती थी, और मैं पीएम जब गया था तब मैंने वो भी दिखाया था, 3-3 ड्रॉपर मैंने बैग में डाल दिए थे, वो बेसिकली दोस्तों की थे सारे, मेरे अपने नहीं थे। तो वो मैंने वैसे शुगर लगाने के लिए जो मैंने कर दिया था। लेकिन ये मैगजीन देख रहे सारे, ये सारे जो है उन्होंने मुझे दिए थे किस दिन, पहले हफ्ते दिए थे ना मुझे शायद, ये बस पहले हफ्ता था। हाँ पहला हफ्ता था। 5 मैगजीन है। ये हिलाल है, ये आर्मी वालों की होते हैं ना, हिलाल ये आर्मी के मैगजीन होते हैं, जिन्होंने मुझे खुद दिए थे। ये बच्चों की दुनिया का है, ये बच्चे पढ़ सकते हैं। ये लाल के हैं, ये आर्मी वालों ने मुझे खुद दिए थे। मामा अब आप दिखाएं। अच्छा, आप दिखाएं। बिल्कुल, बहुत बड़ी खुशी की बात है, और ऐसा मेरा ख्याल कभी भी नहीं हुआ कि बच्चे इंटर्नशिप भी करें और फिर आते हैं लोगों को वहां से गिफ्ट वगैरह भी मिले ना। वी गो आईएसपीआर। ये है जी बैग इनका, अब दिखाएंगी मामा अंदर से। अच्छा ये जो है ना, ये मुझे 2 स्टिकर भी मिले थे, तो एक स्टिकर जो है मैंने अपनी आल्टो पे लगा लिया, एक स्टिकर मैंने बाजी को दे दिया, वो भी अपनी गाड़ी पे लगा लेंगी। और आगे दिखाता हूँ क्या कुछ है। तो मामा अब आप दिखाएं। चलो ये जी, सबसे पहले तो जी चले कैप से शुरू करते हैं। कैप इंसान की बहुत बड़ी इज्जत का सिंबल है, रिस्पेक्ट का सिंबल है। कैप मैंने आज तक कभी नहीं पहनी, भाई पहनता है। हाँ भाई, तो ये सोच रहा हूँ भाई वैसे पहन के चेक करते हैं कैसी लगती है। वीडियो बनाए आज तक मैंने जो है कभी कैप पहनी नहीं है, बट ट्राई करते हैं कैसी लगती है। पता नहीं जी कैसी लग रही है, बढ़िया है कि पहन ली है। क्लोज़अप आ गया, ठीक है। अब मामा दिखाएं आगे की चीज है। ये तो मैंने पहन लिया। अच्छा बात है जी। क्या बात, अच्छी लग रही है। इसके बाद आती है जी आपकी शर्ट, ये आईएसपीआर की। इनके इंटर्नशिप में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि बच्चों के साथ मेरा गिफ्ट्स वगैरह भी दिए हैं, तो बाकी सबने की है, भाई ने की, बाजी ने की। आईएसपीआर का लोगो आ गया, ठीक है जी, ये लिखा हुआ भी का। और ये स्लीव्स पे जो है ISPR लिखा हुआ है, वो ये हो गई एक पूरी शर्ट। अच्छा ये पैक थी, वो जाहिर सी बात है हफ्ता हो गया, तो हमने जो है वो खोल ली थी सारी, वैसे पैक हुई थी क्योंकि इसमें है। अच्छा भाई ये है की रिंग, पाकिस्तान आर्मी, क्यों? अच्छा वो उधर पड़ा है, एक मिनट में लाता हूँ। ये बैग में ये आ गया जी की रिंग, ISPR इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस। एक और की रिंग भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये इधर रख देते हैं इस तरह। अच्छा ये एक और, ये है एक और की रिंग, ये तो मैंने अपनी बाइक की जो है ना उसमें लगा लिया, ये पाक आर्मी लिखा हुआ है। पहले मैंने लिया था ये जो गोल्डन गोल्डन साइड पे आपको नजर आ रहा है ना, वो था पहले सिल्वर ग्रे सा था वो। अच्छा? तो मैंने कहा ये ग्रे अच्छा नहीं लग रहा, ये अच्छा लग रहा है, गोल्डन और ग्रीन अच्छा लग रहा है। दोस्त ने भी कहा था कि ये वाला ले ले, और साथ 2 स्टिकर्स थे। हाँ वो एक अपनी गाड़ी पे लगा लिया और आल्टो पे लगा लिया, और एक जो है वो बाजी को दे दिया, पाक आर्मी का स्टिकर था वो, मतलब ऐसे नहीं मिल जाता वो, उनका अपना है। तो मैंने कहा एक बाजी को दे देते हैं अपनी गाड़ी में, जब गाड़ी, अच्छा गाड़ी तो खड़ी है, दिखाता हूँ मैं बाद में आपको। अच्छा एक बुक भी दी थी, ये सिर्फ मैंने ये पढ़ा, खाली खोल के नहीं देखी मैंने, ये तो क्या है इसमें, कश्मीर की पढ़ेंगे, ये भी आराम से पढ़ेंगे, पढ़ने वाली चीज है। अब ये है कि ये जो सब कुछ आपका हुआ है, रिसर्च वगैरह सारी इन्होंने आपको करवाई है, विजिट्स करवाई है, सारा कुछ, ये तो अब इंशाल्लाह आपका मेरा थीसिस जो होगा ना वो भी इन सब लेक्चर से रिलेटेड ही होगा। आपको जो टॉपिक मिलेगा ना थीसिस का, वो भी इसी से रिलेटेड होगा, आपकी सारे इंटर्नशिप के जो लेक्चर हुए हैं और जो आपके विजिट्स हुए हैं, स्पेशली जो आपका वो कहाँ का था, खारिया का, खारिया
आ रही हैं उधर एनसीटीसी का विजिट जो था वो बहुत इम्पोर्टेंट था, बहुत माशाल्लाह बड़ी अच्छी इम्पोर्टेंट प्लेस थी। और फिर आपका ये जो पीएमए का था, एचआईटी का है, ये ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी अंदर तक तो आम वैसे नहीं जा सकता ना विदाउट एनी परमिशन भी, और सख्ती होती है ना वहाँ किसी भी मकसद के बगैर, जब तक आपका कुछ नहीं एम नहीं है यानी किसी तरह से आप ऐसे ही नहीं जा सकते, अलॉट नहीं होता। लेकिन चलो वो बच्चों को अंदर तक लेके गया, बड़ा अच्छा इन्होंने एंजॉय किया, टैंक्स वगैरह देखे बनते हुए, हमारे सामने टैंक तैयार हो रहा था, चाइना के लोग भी आए थे, चाइनीज भी आए थे, तो वो भी जो है मिल के जो है ना टैंक बना रहे थे, तो हमारे सामने टैंक बन रहा था, किस तरह बनता है इतना कुछ उसके लिए करना पड़ता है, देखो कितना ज्यादा एसिड था। वो मैं वीडियो लगाऊंगा, वो भी आप देखिए, हां वो वीडियो में डालना मुझे, वो तो मैंने वैसे इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी मगर मैं इस पे भी लगा दूंगा, आप लोग देखिएगा इतना सेंसिटिव एसिड है जिसकी भी हद नहीं है, उसके अंदर 10-15 फुट जो है वो गहरा है, पूरा टैंक उसके अंदर करके उसके अंदर डालते हैं, उसके अंदर डाल देते हैं टैंक पूरा, उसके अंदर डाल देते हैं, 10-15 फुट गहरा है वो, एंकर बन गए थे वहाँ के, पीटीवी के एंकर। फिर हम रियल जो उधर के एंकर थे उनसे भी मिले थे, उनसे भी हम मिले। तो फेक बने हुए थे, हम शो ऐसा शो पूरा कह रहे थे अपना वहाँ पे। ये चीजें तो हो गई हैं, अब दिखाएं आप मेन चीज जो कि आपके पीछे पड़ी है, सर्टिफिकेट भाई, सारे पैसे उसी गई है। फोन आ रहा है जी, मामा जरा फोन सुन लें, फिर आते हैं। और अब बारी है आपको सर्टिफिकेट दिखाने की, जो कि लेवल उसी का ही है भाई, लेवल उसी का ही है भाई। अब आ रही है सर्टिफिकेट दिखाने की, मामा स्टार्ट करें। इधर रोशनी में जबरदस्त, इधर है सेरेमनी में, इस जगह पे इधर, हाँ अभी पहले बंद करके दिखा। ये है जी सर्टिफिकेट का फ्रंट, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ISPR, ये फ्रंट आ गया। अब मामा खोल के दिखाएं। ये है जी सर्टिफिकेट मेरा इंटर्नशिप का, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस इंटर्नशिप सर्टिफिकेट। इट इज़ सर्टिफाइड दैट मोहम्मद इब्राहिम शहजाद, सन ऑफ शहजाद अहमद, स्टूडेंट ऑफ इकरा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, हैज़ सक्सेसफुली पार्टिसिपेटेड इन इंटर्नशिप फ्राम 22 July 2024 to 20 August 2024 at Inter Services Public Relations Directorate, Hilal Road, Rawalpindi. DGISPR के सिग्नेचर अहमद शरीफ चौधरी। ये आप पढ़ सकते हैं, ये अब आप पूरा एक दफ़ा देख लें, क्योंकि मैंने कहा एक दफ़ा आपको पूरा जो है दिखाया जाए सर्टिफिकेट। वो जो मैंने तस्वीर लगाई थी इंस्टाग्राम पे वो तो ऐसी थी, उसमें पता नहीं चला, तो मैंने कहा ज़रा करीब से जो है ना आप लोगों को सर्टिफिकेट दिखाना चाहिए, तो ये आप लोग देख लें। ये ISPR का लोगो आ गया, ये ISPR फुल फॉर्म, और ये स्टिकर। तो ये है जी सर्टिफिकेट जो कि बाबा और मामा की दुआओं से जी मुझे मिला है, और आप सबकी दुआओं से मिला है, बहुत आप सब व्यूअर्स की भी और आपके जो हमारी यूट्यूब फैमिली है इन सब की भी दुआओं से, और मज़ीद आप लोगों की दुआएं चाहिए बहन के लिए, मज़ीद सक्सेस। थैंक यू मामा, आप आई हैं, आपने टाइम दिया बहुत ज़्यादा टाइम दिया। चलो अब मामा जी जल्दी से नाश्ता बना लें, मुझे भूख लग रही है। ये तो मैं रखूँगा यहाँ पे सामने बिल्कुल, ताकि नज़र तो आए। ऐसे ऐसे आ गया जी, ये कैसा लग रहा है जी। चलें जी, मिलते हैं जी किसी और ब्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा जी, और अल्लाह ताला हासिबीनों के ऐसे बचाए सबको, आप सबको भी, हम सबको भी, अपने लिए भी दुआ कीजिएगा, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। तो मिलते हैं जी किसी और ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।